Hey guys, this is Raj Kadam here and I'm back with another video. आज की वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाली है जिसमें मैं रिव्यू करने वाला हूँ Mac Pro के क्रिएटिव मोनोहाइड्रेट को. So without wasting any more time, let's get into the video. Before starting this video, a short disclaimer. This video is not sponsored by Mac Pro. जो भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो मेरा ओपिनियन है, वो मेरे थॉट्स हैं. This is going to be a general review of Mac Pro Creatine Monohydrate. अगर आप creatine लेने का सोच रहे हो देन I have uploaded a video on top 5 cheapest creatine brands in India. जिसकी लिंक आपको यहाँ पे आ रही होगी and link will be in the description too. जाओ उसे देखो जिससे आपको पता चलेगा the cheapest creatine brands in India. So let's start the review. So Mac Pro Creatine Monohydrate का कुछ ऐसा पैक आता है, ये ऐसे पाउच में आता है. This is of 400 grams. इस पैकेजिंग को मैं decent सी पैकेजिंग बोलूंगा, बट इसकी एक डाउन साइड लगी मुझे. इसे एक बार ओपन करने के बाद ये अच्छी तरह से पैक नहीं होता. सो एयर की वजह से जो भी हमारा क्रिएटिन है वो ऐसे जम जाता है, वो ऐसे स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पैकेजिंग. एंड जब भी आप ये प्रोडक्ट खरीदते हो देन आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए एक QR कोड मिलेगा. इसे स्कैन करके आप नीचे दिए हुए कोड को यूज करके आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं आपको पता चलेगा. तो मैंने ये चेक किया था एंड दिस इज अ जेन्युइन प्रोडक्ट. लेट्स सी इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है. ये अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है. सो इसमें सिर्फ 400 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, इसके अलावा इसमें कोई भी अलग इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया है. सो इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो इसकी सर्विंग साइज अराउंड 3 ग्राम्स की है. जो इसमें स्कूप आता है वो 3 ग्राम्स का है एंड इस पूरे पाउच में आपको 133 सर्विंग्स मिलेंगे. लेट्स मूव ऑन टू मिक्सिबिलिटी. ये दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह इजीली मिक्स हो जाता है. इसके कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं रहते, सो इट इजीली गेट्स मिक्स इन वाटर. एंड अगर इसकी टेस्ट रिव्यू दूं तो दिस इज अ नॉन फ्लेवर्ड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट. तो ये टेस्टलेस है. मैंने इसे पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक में कंज्यूम किया है. सो देयर इज नथिंग टू से अबाउट इट्स टेस्ट. एंड अगर आप वे प्रोटीन लेने का सोच रहे हो देन चेक दिस वन आउट. ये वे प्रोटीन एयर न्यूट्रिशन से अल्फालॉजी न्यूट्रिशन. इसके हर सर्विंग में आपको 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा, 2.6 ग्राम कार्ब एंड 1.3 फैट. तो अगर आपको ये परचेस करना है देन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. एंड चेक आउट के टाइम पे यूज माय कोड रास्ते जिससे आपको बहुत अच्छा सा डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट फ्री पीस लाइक शेकर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायल पैक्स. सो गो चेक दिस वन आउट. नाउ कमिंग अप टू आवर क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट. मैंने इस क्रिएटिन को पूरा यूज करके खत्म किया है. जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कुछ भी बचा नहीं है, दिस इज ऑल एम्प्टी. सो स्पीकिंग अबाउट दिस रिजल्ट्स, ये बाकी लीडिंग ब्रांड्स की तरह सिमिलर रिजल्ट देता है. सो मैं इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज बताने वाला हूं देन यू डिसाइड कि आपको अगर ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. द फर्स्ट एडवांटेज इज इसका सर्विंग साइज एक्यूरेट है. द सेकंड, इस प्रोडक्ट को आप वेरीफाई कर सकते हो. थर्ड, ये बाकी लीडिंग ब्रांड्स की तरह सेम रिजल्ट देता है एंड इसमें कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड नहीं किया गया है. नाउ लेट्स मूव टू डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ मैं, दिस पैकेजिंग इज नॉट अप टू द मार्क. पैकेजिंग और भी अच्छी हो सकती थी एंड अगर ये कंटेनर में आता देन इट वुड बी मच बेटर. बट अगर इसकी प्राइस कंपेयर किया जाए देन इट्स अ गुड प्रोडक्ट. अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो देन लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके इस प्रोडक्ट को परचेस करो. दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो गाइस. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.